हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुल्म। गुल्म की हम सबसे पहले पढ़ते हैं निरुक्ति। जो गुल्म ये शब्द है, ये बना है गुड वेस्ट ने धातु से। गुड वेस्ट ने धातु से ये बना है, जिसका अर्थ होता है संघात होना। ठीक है, सबसे अब हम इसके पढ़ते हैं। जो गुल्म है, इसके स्थान क्या बताए गए हैं? पांच स्थान बताए हैं इसके। कौन कौन से? हृदय, बस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व, ये पांच स्थान बताए हैं। निदान क्या है? जो हमारे वात वाले निदान हो, यानी वेग को धारण करना, कुचेष्टा करना, कठिन रास्ते पर चलना, शमशन, विरुद्धासन, अजीर्ण आसन, अति व्यवाय, अति व्यायाम, भार ज्यादा ढोना, ये सारे निदानों के सेवन से। अब इसकी संप्राप्ति क्या बनी? निदान के सेवन से क्या होता है? वात प्रकोपित हो जाती है। वात प्रकोपित होने की वजह से ये क्या करती है? पित्त और कफ को भी दूषित कर देती है। अब ये दूषित हुए पित्त और कफ क्या करते हैं? वात के ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेते हैं। वात के मार्ग को अवरुद्ध करेंगे तो वो इधर उधर कहीं जा नहीं पाएगी। तो जो हमारी ये पांच स्थान बताए हैं गुल्म के, यहाँ पर अधिष्ठित होकर जो है वो पिंडित स्वरूप की हो जाएगी। पिंडित रूप में होकर जो है वो शूल उत्पन्न करती है, जिसको हम बोलते हैं गुल्म, यानी गुल्म के आकार की हो जाएगी। फिर आते हैं इसके भेद। जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने पांच प्रकार का बताया है गुल्म: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। ठीक है, जो सन्निपातज है उसको हम नीचे गुल्म भी बोलते हैं। आचार्य वाग्भट अंतर्गुल्म और बहिर्गुल्म, ये दो प्रकार मानते हैं। फिर आते हैं गुल्म जो है उसके पूर्व रूप, जैसे आत्मान, आटोप, भोजन का न पचना, उद्गार, बाहुल्य आदि है इसके पूर्व रूप। अब हम बात करते हैं रूप की। तो जब ये दोषानुसार है तो गुल्म जो बना है, यानी पिंडित स्वरूप का, तो हर उस चीज में बनेगा। लेकिन वात होगा तो जैसे शूल, कभी ज्यादा होगा कभी बिल्कुल नहीं होगा। ये जो गुल्म है कभी घटता रहेगा बढ़ता रहेगा। पेशेंट को तोद ज्यादा होता है, ठीक है, हृदय पार्श्व आदि में वेदना कौन है, यानी जो वातज लक्षण है मेन वो होते हैं। अब पित्त की अगर हम बात करें तो क्या होगा? पेशेंट को स्पर्श सहन नहीं होता, दहा हो रही है, पाक हो रहा है, ज्वर हो रहा है पेशेंट को। तो जो पित्तज लक्षण है वो गुल्म के लक्षणों के साथ वो भी आएंगे। फिर आता है कफ। कफ वाला जो गुल्म होगा वो स्थिर होगा, आकार में ज्यादा बड़ा होगा, दृढ़ होगा, ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगेगा स्थैमित्य है, जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ है। बाकी पांडु वर्ण का हो जाना उसके शरीर का, जो कफज लक्षण है वो होंगे। सन्निपात में क्या होगा? ये तीनों लक्षणों के वाला होगा और असाध्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं रक्तज गुल्म की। जो रक्तज गुल्म है, कई जो वैद्य होते हैं वो रक्त गुल्म और जो गर्भ है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रक्त गुल्म के जो भी लक्षण व्यक्त होते हैं वो गर्भ के समान होंगे। मतलब जो गर्भिणी है उसमें रोमराज्य आदि का उत्पन्न होना, पांव में शोथ होना, हृलास हो रहा है, जी मिचला रहा है उसका। फिर उसके अलावा जो है वो उदर की वृद्धि होती रहती है। लेकिन जो वृद्धि है, अब ये जो रक्तज गुल्म है ये इस तरीके का होता है, यानी पिंडित स्वरूप में है। जो एब्डोमेन है उदर की वृद्धि होती जा रही है, पिंडित स्वरूप का, यानी इसमें कोई हाथ पैर आदि जैसे हम बच्चे के महसूस कर सकते हैं। जैसे बोला है कि जो गर्भ होता है वो थर्ड मंथ में जो है उसके डिवाइड हो जाता है हाथ पैर, और ये इनको हम थोड़ा महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये जो रक्तज गुल्म होता है, इसमें जो गर्भ है उसमें कोई भी हाथ पैर आदि की अनुभूति हमें नहीं होती, पिंडित स्वरूप में उधर वृद्ध होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रक्तज गुल्म। अब हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो सबसे पहले क्या है? निदान परिवर्जन करना है। फिर उसके बाद गुल्म का चिकित्सा सूत्र क्या है, आप इसको याद भी कर सकते हैं गुल्म का चिकित्सा सूत्र। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। बस्ती कर्म परम विद्या, यानी जो बस्ती कर्म है वो परम बताया है किसमें? गुल्मग्नम तद्वि मारुतम, यानी जो मारुत है यानी गुल्म है उसमें मेन हमारा दोष क्या है? वात है। तो वात के लिए जो है वो परम क्या है? बस्ती। तो गुल्म के लिए भी बस्ती का प्रयोग कराना है। उसके बाद स्वस्थाने प्रथमम जित्वा सद्य गुल्म पोहती, यानी स्वस्थान, अगर कफज स्थान पे गुल्म हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वात का ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें कफ को ट्रीट करना है, बाद में वात को ट्रीट करना है। यानी जिस स्थान में गुल्म है पहले उस स्थानगत दोष का ट्रीटमेंट करना है, फिर वात का करना है। उसके अलावा चिकित्सा सिद्धांत में वात शामक औषध का प्रयोग करना है, या जिस साइड भी गुल्म हो, मतलब लेफ्ट साइड में उभरा हुआ है, राइट साइड में, तो उस बाहु की सिरा का वेद करना, अग्नि दीपन द्रव्य देना,
से गवगहा अवमन क्षपण स्वेदन अभ्यंग आदि जो है वो कर्म करने ताकि गुल्म में लाभ मिले। फिर आता है अगर हम वातज गुल्म की बात करें तो उसमें स्नेह पान अभ्यंग निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना। अब हम बात करते हैं अगर जो गुल्म है वो नाभि से ऊपर है, वातज की बात करें अगर गुल्म नाभि से ऊपर है तो पेशेंट को स्नेह पान कराना है, अगर नाभि से नीचे आपको गुल्म फील हो रहा है तो पेशेंट को हम जो है वो बस्ती देते हैं। उसके अलावा अगर वातज के साथ कफ का अनुबंध हो तो वमन कराना है, पित्त का अनुबंध हो तो विरेचन कराना है। अगर हम पित्तज गुल्म की बात करें तो उसमें क्या है विरेचन घृत पान क्षीर बस्ती का प्रयोग और रक्त मोक्षण करा सकते हैं। कफज गुल्म है तो उसमें वमन कराना लंघन कराना उष्ण द्रव्य क्षार अग्निकर्म अरिष्ट पान आदि का प्रयोग करना है। सन्निपातज को असाध्य बोला है लेकिन फिर भी अगर ट्रीटमेंट करना पड़े तो दोषानुसार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम रक्तज गुल्म की। रक्तज गुल्म जैसा हमने बताया कि जो है गर्भ से इसको हम डिफरेंशियली डायग्नोस हमें करना होता है तो इसके लिए जो रक्तज गुल्म है उसकी 10 माह के बाद ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि 10 माह बाद जो गर्भ है अगर गर्भ होगा तो वो तो डिलीवर हो जाएगा लेकिन रक्त गुल्म है तो वो डिलीवर नहीं होगा, यानी 10 महीने के बाद रक्तज गुल्म का ट्रीटमेंट शुरू करने को बोला आचार्य चरक ने। तो कैसे करना है पेशेंट को सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराकर स्नेह युक्त विरेचन देना है। योनि विशोधक जो द्रव्य है जो योनि का शोधन करने वाले हैं उनसे भावित जो पिचु है वो योनि में धारण करना है। दुग्ध गोमूत्र दशमूल या यवक्षार से सिद्ध की हुई उत्तर बस्ती देनी है। अगर इन उपायों से भी लाभ ना हो तो अंत में क्या करना है भेदन करना है, भेदन करके जो है वो रक्त पित्त के समान जो है वो ट्रीटमेंट करना है। फिर आती है संशमन चिकित्सा। गुल्म में हम क्या कर दे सकते हैं गुल्म कुठार रस ग्रहणी कपाट रस रामबाण रस दे सकते हैं, चूर्ण में हिंगवादी चूर्ण लवण भास्कर चूर्ण हिंगवाष्टक चूर्ण। गुल्म में आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि अगर अग्नि वृद्ध हो रही है अग्नि बढ़ रही है तो गुल्म ठीक हो जाएगा, अगर अग्नि कम हो रही है तो गुल्म बढ़ जाएगा, यानी दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो हमें क्या करना है इसमें अग्नि को बढ़ाना है तो अग्निवर्धक द्रव्य देने हैं जैसे हिंगवादी वटी चित्रक आदि वटी रसोन आदि वटी देना है। क्षार में जैसे सर्जिक क्षार और प्लास क्षार का प्रयोग कुमार्य आसव दशमूल क्वाथ लहसुन क्षीर वरुण आदि क्वाथ अवलेह में दंती हरित की। ये जो दंती हरित की है ये आचार्य चरक इसका रोगाधिकार बोलते हैं तो दंती हरित की जरूर याद रखना है। बाकी एरंड तेल या तेल पंचक क्षीर शटपल घृत या वसा घृत का प्रयोग कर सकते हैं। अब सपोज अगर ये आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है तो इसी तरीके से आ सकता है कि उसकी निदान संप्राप्ति रूप पूर्वरूप आदि का वर्णन करते हुए चिकित्सा वर्णन करें तो ये पूरा ही लिखना है। लेकिन अगर शॉर्ट में इसका ट्रीटमेंट ही पूछा जाए कि गुल्म में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 या 5 योगों का वर्णन करें तो आपको जो उसका स्पेसिफिक ड्रग है जो आचार्य चरक ने वर्णन किया वो जरूर लिखना है। जैसे अगर आपको आए गुल्म के लिए कोई 2 योग बताओ तो उसमें आपने दंती हरित की और तेल पंचक का जरूर वर्णन करना है क्योंकि वो आचार्य चरक ने वर्णन किया है और काय चिकित्सा तो चिकित्सा में प्रधान है ही है, यानी चरक है काय चिकित्सा में प्रधान तो उनके जो बताए हुए रोगाधिकार है वो जरूर लिखने हैं। तो गुल्म में क्या है दंती हरित की और तेल पंचक और या इसके अलावा गुल्म कुठार रस भी बता सकते हैं हम। तो ये हमारा टॉपिक हो गया गुल्म। थैंक यू।